Okay, Bismillahir Rahman Rahim. So, good afternoon, dear students. So, it is Dr. Who is this? Wajid. Okay. Wa alaikum salam. Chale. So, we'll start today's topic. Basically, exam se pehle humne transition metals and inner transition metals clear kiya tha. Lekin, jo inner transition metals tha, usme दो टॉपिक्स, दो मेन टॉपिक्स जो है अभी दे वर पेंडिंग. उसमें एक टॉपिक है कलर, कलर ऑफ लैंथेनाइड्स. इसी तरीके से और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स. अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें होगा कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. लेकिन मैंने पहले ही ये कहा कि एक्टिनाइड्स जो है, एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज या एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, यानी उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है. तो यूजुअली एक्टिनाइड्स को ज़्यादा हम डील करते नहीं. सो व्हाट वील डू इज़ दैट, लैंथेनाइड्स में हमारे पास बचा है कलर ऑफ लैंथेनाइड्स, यानी अगर लैंथेनाइड कंपाउंड्स में जो कलर होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है. और सेकेंड है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी लैंथेनाइड्स दे ऑल्सो हैव सम मैग्नेटिक कैरेक्टर, सो वाई इज इट सो. सो आज की क्लास में वील ट्राई टू कवर अप द कलर ऑफ लैंथेनाइड्स, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll see the magnetic properties. So with these two classes, our transition and inner transition metal chemistry will be over. ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट. तो कलर ऑफ द लैंथेनाइड्स, देखिए लैंथेनाइड्स का कलर, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप लैंथेनाइड्स पढ़ोगे तो इमिजिएटली यू शुड कीप द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक इन योर माइंड. ठीक है, तो लैंथेनाइड्स का कलर जो है, दैट इज यूजुअली दे आर सिल्वरी वाइट. सिल्वर जिस तरह से होता है, दैट सिल्वर टाइप कलर. तो यूजुअली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कलर होता है, दैट इज सिल्वरी वाइट टाइप. ठीक है, अच्छा, यूजुअली दैट मीन्स व्हेन वी से द वाइट कलर और ब्लैक कलर, इट मीन्स देयर इज नो कलर एक्चुअली. ठीक है, सो व्हेन वी से सिल्वरी वाइट, इट इंडिकेट्स कि लैंथेनाइड्स में यूजुअली कलर नहीं होता है. बट इवन दो लैंथेनाइड्स दे जनरली वी से दे आर सिल्वरी वाइट, बट सम ऑफ द लैंथेनाइड्स, सम कुछ लैंथेनाइड्स ऐसे होते हैं, सम आयंस दे आर कलर्ड, दे हैव कलर. इसका मतलब दे बी येलो, इंडिगो, ग्रीन, रेड, पिंक, इस रेंज में. सो सम ऑफ द आयंस दे हैव कलर, इवन दो इन जनरल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट, बट सम ऑफ द लैंथेनाइड्स दे हैव कलर. अच्छा, कलर होता है दोनों, इट इज इन द सॉल्यूशन. जब आप लैंथेनाइड का एक सॉल्यूशन बनाओगे, किसी सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व करोगे, उसमें भी कलर होता है. एंड जब आपका लैंथेनाइड होगा इन द सॉलिड फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो दोनों फॉर्म्स में लैंथेनाइड्स का वो कलर रहता है. ठीक है, चाहे लैंथेनाइड्स का आप एक्वा सॉल्यूशन में देखोगे या एज अ क्रिस्टलाइन लैंथेनाइड का कोई कंपाउंड देखोगे, सो दे हैव द कलर. ठीक है, सो इवन द मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स दे आर सिल्वरी वाइट, बट सम ऑफ द लैंथेनाइड्स दे हैव कलर, बोथ इन क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन. ठीक है, अच्छा, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, यूजली जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल राइट लैंथेनाइड आयन, LnN+. Ln स्टैंड्स फॉर एनी लैंथेनाइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस पीरियड टेबल को ला रहा हूँ, दोबारा इसको देख लीजिए आप. लुक एट दिस इज अवर लैंथेनाइड सीरीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम एंड देन वी हैव ल्यूटिशियम. सो Ln स्टैंड्स फॉर एनी एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांस, दिस इज लैंथेनाइड, दिस सीरीज. First
एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरीज, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट दैट इज इंडिकेटेड बाय एल एन, ठीक है ओके. सो कोई सा भी लेंथनाइड आयन मीन्स इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. नाउ अब लेंथनाइड आयन के साथ जो आपका काउंटर आयन होगा, काउंटर एनायन, लेट अस से दिस इज अ काउंटर एनायन. काउंटर एनायन आप चेंज भी कर लो, द कलर ऑफ द लेंथनाइड आयन विल नॉट चेंज. आप एक टाइम पे इसको, फॉर एग्जांपल यू कीप आयन लाइक लेट अस से दिस मिथाइल आयन CH3 नेगेटिव, और नेक्स्ट टाइम पे यू कीप क्लोराइड आयन एज अ काउंटर आयन. सो आर यू समटाइम्स कीप थायोसाइनेट एज अ काउंटर आयन. सो अब कोई सा भी काउंटर आयन रखो लेंथनाइड के साथ, द कलर ऑफ द लेंथनाइड आयन इज नॉट गोइंग टू चेंज वेदर इट इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आर इन सोल्यूशन, ठीक है. अच्छा अब क्वेश्चन है कि कलर क्यों होता है. इफ यू रिमेंबर द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, सो लेट मी राइट हियर, दीज आर काउंटर आयन्स, सम ऑफ द काउंटर आयन्स. ठीक है ओके. सो नाउ व्हाई द लेंथ एंड सर कलर. ट्रांजिशन मेटल्स में हमने कहा था, या डी ब्लॉक में हमने क्या कहा था, द कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स is due to D2D transition. If you remember this, ये बहुत important question है. Same is the case in case of lanthanides. The color of the lanthanides is due to F to F transition. This is important. F to F transition. F to F transition के अलावा they have another type of transition present. That is, you have F to D transition also present. ठीक है, so you have F to D transition. So transition elements, they have two types. These lanthanides, they have two types of transitions, F to F, and then you have F to D transition. ठीक है, now we'll discuss this. इन दो transitions की वजह से लेंथ नाइड्स में कलर होता है. F to F transition means electrons will get transited from some of the orbitals which are lower in the energy to the F orbitals which are higher in the energy. And in F to D means the orbitals which belong to the F subshell, the electron will get transited from those orbitals to the orbitals which belong to D subshell. ठीक है. In order to understand this, let us go to the electronic configuration. Now, electronic configuration, if you remember, हमने electronic configuration लिखा था उनका. So, write down the electronic configuration. If you remember, हमने लिखा था xenon, then 6s2, then you have 4f. One to 14, and then you have 5D, 0 to 1. Hamara jo the shells are sub shells of interest jo hai, they are these two, because color dekhiye F to D, that means the D and F sub shells are important to understand the color. Ab dekhiye. If you show them by the classical means, आपका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है. फिर there are various energy levels. इसको शॉर्टकट में दिखा लेते हैं. Let's consider the outermost कौन सा होगा दो में से, 5, n is equal to 5. Let's don't take this into consideration for the moment, ठीक है. उसके बाद कौन होगा, 4. N is equal to 4. So 4 means this is 3, this is 2, this is 1. ठीक है. N is equal to 1, मैंने बार बार इसको डिस्कस किया है. That means principal quantum number 1, that is K shell. This is L, this is M,
एन ओ एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट, या इधर इन द 4F और 5D, मीन्स इन द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 4. इस पर आप जरूरी फोकस कर लीजिए, इन दिस एनर्जी लेवल. सो इसका मतलब जो F सबशेल है इट्स प्रेजेंट हियर. आई विल शो इट हियर, जस्ट रफली अंडरस्टैंड करने की, इट्स हेयर. F सबशेल्स आर हेयर. उसके बाद D सबशेल जो है दे आर प्रेजेंट हेयर. आई विल शो देम बाय ब्लैक. दिस इज योर D सबशेल. ठीक है, सो व्हेन आई से एफ्टर ट्रांजिशन मीन्स विद इन शेल्स वी नो वी हैव सबशेल्स. ठीक है, एट सबशेल्स जो है दैट इज F सबशेल. तो इसमें जो F सबशेल है इसमें शो इट हेयर. In the principal quantum number 4, in the energy level 4, or in the n energy level, we have this F subshell present. ठीक है, उसमें कितने electrons हैं? 14. अब we know F subshell जो है, how many orbitals are there? 7 orbitals. ठीक, so there are 7 orbitals. उनको हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे. Let us don't make it कॉम्प्लेक्स. सेवन ऑर्बिटल्स मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. सो एफ सबशेल विल अकोमोडेट अ टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, अब ये ऑर्बिटल्स एफ टू एफ ट्रांजिशन मीन्स कुछ ऑर्बिटल्स विल बी लोअर इन एनर्जी एंड सम विल बी हायर इन द एनर्जी अमंग द सेवन. लेट अस कीप इट एग्जाम्पल लाइक दिस. मैं एक रफली बना रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग. सम ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द एफ सबशेल विल बी हायर इन द एनर्जी, सम विल बी लोअर. सो दिस इज बेसिकली बोथ द ऑर्बिटल्स दे बिलोंग टू द सेम सबशेल. सो इफ द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दिस टू दिस लेवल, ठीक है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनी वे इट विल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ. जिस तरह हमने ट्रांजिशन मेटल्स में कहा था, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द लाइट इट गिव्स द कम्प्लीमेंट्री कलर. तो जो कम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का होगा, एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का, दैट विल बी द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल. तो पता ये चला दैट द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कलर इन द ट्रांजिशन मेटल्स एफ टू एफ ट्रांजिशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिटल्स ऑफ द एफ सबशेल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एफ सबशेल. ठीक है, दिस इज वन, दिस इज वन पॉइंट. अब दूसरा जो रीजन है दैट इज एफ टू डी. अब देखिए डी ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे होंगे या डी सबशेल इज हेयर. ठीक है, हेयर, ओके. सो दिस इज योर डी सबशेल, इट्स हायर इन द एनर्जी. ठीक है, सो सीधी सी बात है, दिस इज लोअर इन द एनर्जी क्लोज टू द न्यूक्लियस. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी इट विल जंप हेयर टू हेयर. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एफ टू डी ट्रांजिशन. दैट बेसिकली मीन्स 4F to 5D transition. Means F subshell का कोई orbital जिसमें electron होगा that will undergo transition to the orbitals of the D subshell. So this is called F to D transition. Same case, ठीक है, but difference इसमें क्या है. देखिए इस case में it was F to F means 4F to 4F transition, and in this case it is 4F to 5D transition. So these two transitions are responsible for the color. अब दोनों में से we have to discuss about their importance. देखिए एक रूल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में. So whenever there is electronic transition, change in principle this azimuthal quantum number is plus minus one, then those transitions are allowed. ठीक है, सो दीज आर द सिलेक्शन रूल्स. जब चेंज इन दी ज्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, व्हेन चेंज इन द एजिमुथल क्वांटम नंबर इज प्लस माइनस वन, दे आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन. एंड इफ ज्यूरिंग इफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इट डजंट फॉलोज द सिलेक्शन रूल, देन दैट इज नॉट अलाउड. अब देखिए इफ यू टॉक अबाउट एफ टू एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल हियर? लेट्स राइट. सो एफ टू एफ ट्रांजिशन, द वैल्यू ऑफ एफ, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, एस पी टी एफ. एल वैल्यू ऐसे होता है 0, 1, 2 एंड 3. सो इट्स गोइंग फ्रॉम 3 टू 3
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहे हैं फ्रॉम एल वैल्यू 3 टू एल वैल्यू 3. सो 3 माइनस 3 इज 0. सो व्हाट इज द चेंज इन एल? दैट इज 0. हमें क्या चाहिए? चेंज इन एल शुड बी प्लस माइनस 1, देन ओनली द ट्रांजिशन इज अलाउड एज पर द सिलेक्शन रूल्स. देन ओनली ट्रांजिशन इज अलाउड एज पर द सिलेक्शन रूल्स. अब देखिए, इफ यू टॉक अबाउट 4f टू 5d, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम f टू d. सो इफ यू राइट, लेट्स राइट f टू d, द l वैल्यू फॉर f इज 3, l वैल्यू फॉर d इज 2. सो 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, व्हाट इज दैट? प्लस माइनस 1. सो दैट मीन्स f टू d ट्रांजिशन इज फॉलोइंग सिलेक्शन रूल, वाइल एज सो दिस ट्रांजिशन इज फॉलोइंग और दिस ट्रांजिशन इज फॉलोइंग द सिलेक्शन रूल. तो अब उससे क्या इंपॉर्टेंस ये मिलती है कि दोज ट्रांजिशन विच फॉलो द सिलेक्शन रूल दे आर ऑलवेज इंटेंस. सो इन द लेंथनाइडिस इफ योर बैंड्स आर इंटेंस, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू डी टू एफ टू डी ट्रांजिशन. सो दीज एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर शार्प एंड दे आर इंटेंस, वाइल एज दोज ट्रांजिशन विच आकर ड्यू टू एफ टू एफ ट्रांजिशन दे आर ब्रॉड, सॉरी दे आर लेस इंटेंस, आई शुड सी दे आर लेस इंटेंस नॉट ब्रॉड. ठीक है, डी ब्लॉक के केस में जो डी टू डी ट्रांजिशन थी दे आर ब्रॉड. सो एफ ट्रांजिशन जो यूजली होते हैं दी एफ ब्लॉक बिकॉज दे आर इंटेंस. वाई दे आर इंटेंस? अब देखिए, वाई स्पेक्ट्रा इज समटाइम्स ब्रॉड समटाइम्स इंटेंस. यहाँ पे ट्रांजिशन्स होते हैं विद इन द इनसाइड द एटम इनसाइड. अब आउटसाइड का एनवायरनमेंट इस पर इफेक्ट नहीं करता है. स्पेक्ट्रा तभी ब्रॉड हो जाता है व्हेन इट गेट्स अफेक्टेड बाय द आउटसाइड एनवायरनमेंट. सिंस हमारा जो ये जो डी सबशेल है या एफ जो है, इट इज डीप इनसाइड, क्योंकि इसका बाहर 6s है. सो इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट आउटसाइड एनवायरनमेंट. दैट इज व्हाई दीज ट्रांजिशंस आर शार्प आर द स्पेक्ट्रा व्हिच इज ऑब्टेन्ड फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर दोज स्पेक्ट्रास दे आर शार्प. ठीक है, सो लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द इंटेंसिटी, इफ यू टॉक अबाउट एफ टू डी ट्रांजिशन, सो दीज ट्रांजिशंस आर शार्प एंड हाईली इंटेंस, एंड एफ टू एफ ट्रांजिशंस दे आर लेस इंटेंस बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द सिलेक्शन रूल. ये तो हो गया स्पेक्ट्रा के बारे में. अब थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है समटाइम्स, जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी होगी, वट डू यू मीन बाई दिस शार्प एंड ब्रॉड बैंड्स. देखिए, ए टिपिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट चेंजिंग द कॉपी. सो इफ यू वॉन्ट टू हैव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, दिस इज द वेव लेंथ, दिस इज वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. अगर आपका बैंड जो है, इफ इट कम्स लाइक दिस, अब देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रॉड बैंड. इस तरह के बैंड्स आपको डी ब्लॉक में मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड. एंड अगर आपका स्पेक्ट्रम इस तरह से आ जाता है, योर स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस इज योर इंटेंसिटी, दिस इज वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. इफ द बैंड इज लाइक दिस, इनको बोला जाता है शार्प बैंड्स, क्योंकि इनकी विड्थ जो है बहुत कम है. सो दीज आर कॉल्ड शार्प बैंड्स. तो लेंथनाइड्स के केस में योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल ऑलवेज शो दीज टाइप ऑफ बैंड, दे आर द शार्प बैंड्स. तो आप स्पेक्ट्रम से भी पता ये कर सकते हो दैट वेदर दिस इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट और वेदर इट इज द ट्रांजिशन इज ड्यू टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, अब इंटेंसिटी, अगर लाइन आपकी हाईली इंटेंस है, दैट इंडिकेट्स इट इज डी टू एफ ट्रांजिशन, it is f to d transition. And if light is not intense, that means it is f to f transition. So this is the basic mechanism. Ab uske baad mein there are some important things to discuss before we'll close this, that is about some interesting thing. Ab jis tarah humne d blocks mein dekha tha, so
इज इट पॉसिबल दैट एवरी टाइम द कंपाउंड विल शो अस कलर? नो. वहाँ पे हमने कहा था वी मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर वन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड थिंग, वी मस्ट हैव द ऑर्बिटल्स विच आर एटलीस्ट पार्टली फिल्ड और विच आर वैकेंट. इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट विल नॉट गो फ्रॉम, इट विल गो वेन इट इज फ्री एंड वेन वी हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, जहाँ पे ट्रांजिशन हो जाए. ठीक. सो दैट मीन्स, सो वेन वी हैव, द रूल इज दैट इफ वी हैव अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स, unpaired f electrons, then we can guess that a particular lanthanide ion or lanthanide compound will show the color. ab iske liye hum ek table yahan pe dekhenge, rather than drawing that, let us look at this table. Some interesting data is there in the table. Now look at this screen here. I guess it is clear to all. ab dekhiye yahan pe screen mein, this is the atomic number. ye aapke lanthanide ions hai, tri positive. Because 3+3 is the most common oxidation state of the lanthanides. ठीक. देखिए lanthanide 3+ lanthanum तो बहरहाल पहला वाला है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम सीरियम, प्रस्यूडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, +3. तो इनमें कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने किया था डी ब्लॉक में. इसमें कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? एक. इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखिए, तो व्हेन आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दैट मीन्स कलरलेस, सिंपल फॉर्मूला. ये हमने डी ब्लॉक में भी देखा था. अब यहाँ पे देखिए, ए वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, इट इज आल्सो कलरलेस. सो दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग. ठीक है. दो इलेक्ट्रॉन्स, इट इज येलोइश ग्रीन. तीन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रेड. चार इलेक्ट्रॉन्स, इट लुक्स लाइक पिंक. फाइव इलेक्ट्रॉन्स, इट्स येलो. एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, इट्स पेल पिंक. And when it has seven electrons, it is colorless. So trend to hai ki if you have unpaired f electrons, but this is not true always. So in this case, we have color hona chahiye tha. But usually, we can say in general that if it has the f unpaired f electrons, then we might expect the color. Ab dekhiye yahan pe interesting cheez. Fir yahan se aapka lutetium, yttrium, terbium, europium, सॉरी इट्स थुलियम, यूरोबियम, हॉलोनियम, एंड देन दिस इज योर टर्बियम, टी बी. यहाँ कुछ मिस्टेक है. व्हाट दिस ओ वाई, व्हाट इज रिटन? इट इज डी वाई, सॉरी, इट इज डाइस्पोरियम. थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसको लिखने. एनी वी, सो दे आर द ट्राई पॉजिटिव. इनके केस में भी वे आर द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, लेट अस थिंक अबाउट द कलर. यहाँ कलरलेस, यहाँ भी कलरलेस. ठीक, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इस केस में वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कलरलेस. सेम येलो ग्रीन, दिस इज लाइट ग्रीन. तो ग्रीन दोनों केस में है. रेड, दिस इज पिंक. दिस इज पिंक, दिस इज रेड. येलो येलो, पिंक पिंक. तो एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि इफ़ यू हैव दी, अगर हम दो या तीन या ये जो है लेंथराइड्स को हम सेलेक्ट कर लें, इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स, देन वन कंक्लूजन इज दैट दे माइट हैव द सिमिलर टाइप ऑफ कलर. इवन तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आता है रेड और पिंक, बट यू सी मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज मैचिंग. सो इफ यू हैव, यहाँ पे आप देख लीजिए, इट इज थॉट दैट द कलर ऑफ आइन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द एलिमेंट विथ एन एफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफन गिव्स अ सिमिलर कलर टू दोज ऑफ 4, 14 माइनस एन एफ इलेक्ट्रॉन्स, बट देर आर एक्सेप्शन. दिस इज पॉइंट नंबर वन. ओके, उसके बाद में जो हमारा पॉइंट नंबर टू है अबाउट द कलर ऑफ द ट्रांजिशन, दिस इज एक्टिनाइड्स. उसके लिए मैं आपको और एक टेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ बिफोर वील क्लोज दिस ऑल स्टोरी. अब देखिए यहाँ पे दिस टेबल, दिस इज अनदर टेबल. सो व्हाट दिस टेबल एक्चुअली शोज अस, इट इज कलर ऑफ सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन्स. मीन्स यहाँ से लेफ्ट साइड में वी हैव ल्यूटिशियम, यूरोबियम, गैडोलिनम, एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन, सर, दिस इज ल्यूटिशियम, दिस इज लैंथनम. समस्टिक. ठीक. तो यहाँ दिस आर ट्राई पॉजिटिव, लेकिन दिस साइड में वी हैव 4+2 and 2+. ओके, एंड इफ वी कंसिडर दैट बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में भी इट हैज 0, यूरोबियम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, गैडोलिनियम 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ल्यूटिशियम 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सीरियम के केस में भी सेम.
ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4F0, 4F6, 4F7, 4F12. इफ यू सी इट्स कलर, इट इज कलरलेस बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रॉन. यहाँ देखिए सीरियम के केस में इट इज कलर, ठीक. इवन दो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यूरोपियम 6 इलेक्ट्रॉन्स, समरियम ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन्स. इट इज पेल पिंक, इट इज ब्लड रेड. लाइकली गैडोलिनियम इट इज कलरलेस बिकॉज इसमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अनप्योर. बट यहाँ पे देखिए स्ट्रा येलो. एंड देन इफ यू सी ल्यूटिशियम इट इज कलरलेस, यहाँ पे ग्रीन. तो कंक्लूजन ये है इसमें दिखाने का कि अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को आपस में कंसिडर करें लैंथेनाइड्स की, देन वहाँ पे भी इट डजेंट फॉलो द रूल बेसिकली दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू हैव अकॉर्डिंगली दे विल बी कलर. सो इट डजेंट एक्चुअली फॉलो दोज रूल्स इन जनरल. सो ये तो था जो लैंथेनाइड केमिस्ट्री के बारे में द बेसिक्स अबाउट द कलर. इसके अलावा देर आर मैनी थिंग्स बट आई फील के नो नीड टू डिस्कस दोज थिंग्स. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जिसमें यूजुअली क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके एग्जाम में. सो इन जनरल मैं इसको दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए. We'll go back that if we talk about the color in general, lanthanides they are slivery white, theek hai. And then but there are some ions which are colored, they are colored both in solution as well as in the crystalline state, theek. Uske baad color doesn't changes by changing the your counter ion, means for example any ion ya any other ion. So if you change the counter ion, color doesn't changes. Now uske baad mein कलर क्यों होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. सो कलर इज एज इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस. मींस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम 1d ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी d ऑर्बिटल. सेम इज द केस इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, कलर इज ईदर ड्यू टू एफ टू एफ ट्रांजिशन और एफ टू डी. मीन्स इलेक्ट्रॉन जाता है फ्रॉम एफ सबशेल, कोई ऑर्बिटल जो एफ सबशेल में है, टू द ऑर्बिटल इन द एफ सबशेल. एंड एन इलेक्ट्रॉन्स इन सम एफ सबशेल टू द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट द डी सबशेल. दोनों की वजह से कलर होता है, ठीक. अब दोनों सिंस बोथ आर इन, यहाँ पर हमने दिखाया था कि वायर इज 4F एंड वायर इज 5D. सो वैन वी से एफ टू डी ट्रांजिशन मीन्स यहाँ पे इट्स लाइक दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर. एंड ऑर्बिटल इज हेयर 4F एंड 5D इज हेयर. वैन वी से 4F टू 4F इट इज विद इन दिस एनर्जी लेवल एन, ठीक है. उसके बाद सिंस वी हैव 7 ऑर्बिटल, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एफ टू एफ ट्रांजिशन. This transition, the light falls on the ion or complex, then electrons will undergo transition from this to the higher energy orbital. So it will absorb the energy. Jo energy absorb karega, uski complementary mein ek color de dega, and that complementary will reach our eyes, our retina, and we can see a particular color, that particular color. ठीक है. उसके बाद हमने बोला था जो F to D transitions होते हैं और F to F transitions, उसमें क्या होता है, there is some difference in the spectral properties. For example, if it is F to F transition, that means there is no change in the azimuthal quantum number, the transitions are less intense or weak. ab ye bhi likh sakte ho, transitions are weak. ab ye bhi books mein dekh sakte ho, there are weak transitions. likely if transitions are f to d transitions, means there is change in the azimuthal quantum number by 1, which is the selection rule, hence the transitions are intense. uske baad humne compare kiya tha F ब्लॉक एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स का कलर. ये जो है इस तरह का बैंड जो है इट्स कॉल्ड एज अ ब्रॉड बैंड, ठीक. इट इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड इन द D ब्लॉक एलिमेंट्स या वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वेयर वी हैव D ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट. और ये वाला जो ग्राफ है इट इंडिकेट्स द स्पेक्ट्रल लाइंस आर शार्प, ठीक, बिकॉज द विड्थ इज वेरी वेरी लेस. दिस कॉल्ड स्पेक्ट्रल विड्थ. यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल विड्थ. सो ये जो इस तरह का स्पेक्ट्रम इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज लैंथेनाइड्स. क्यों? बिकॉज ये जो ट्रांजिशंस है शार्प क्यों होते हैं, उसके लिए मैंने कहा था इसमें द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द आउटर एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि एफ एंड डी सबशेल जो है दे आर डीप इनसाइड, दे आर सो दे हैंस दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द आउटर एनवायरनमेंट. व्हाइल एज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स the electron transitions are getting affected by the outer environment. So the sharpness of the bands will give us idea whether the transition belongs to D or F block. ठीक है. फिर F to D transition, से मैंने कहा change in L is plus minus 1. So these are sharp. Sorry, these are highly intense.
one has f to f transition, change in L is not equivalent to plus minus 1, so they are weak transitions. That means less intense. Okay. So these are all about the basics of the spectra or basics of color which occurs in case of the length radius. I believe this is more than enough. Still, if you have any question, you can ask. Iske alawa ye jo mere paas book thi, I feel ki usme they have summed up the information, so I will be attaching the PDF note jis tarah se main har lecture ke sath attach kar leta hun. You can download that please and you can also read that. So this is all for the class. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, we'll close this streaming. So any question? Okay. Okay, so let us close then this streaming.